और इन बातों के लिए जो कि हमें खुदा से मिलती है कि जिस तरह दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, इंसान अपने कामों से, अपनी खूबियों से और अपनी हरकतों से पहचाना जाता है कि वो किस तरह खुदा के साथ चलता है। हम आपके शुक्रगुजार हैं इस प्यार और मोहब्बत के लिए, और ख़ास तौर पर अब हम हदिया बाद में लेंगे, हम अपने मेहमानों को थोड़ा टाइम देते हैं क्योंकि उन्होंने जाना है काम के सिलसिले में, तो बाकी जो प्रेयर का हिस्सा हम बाद में करेंगे। तो मैं इनसे, भाइयों से, बाकी पूरे पाकिस्तान से मैं चाहता हूँ कि ये पैगाम हमारा पहुँचाया जाए कि पाकिस्तान जब बना नहीं था उस वक्त तो मुस्लिमों ने बहुत रोल अदा किया था। मैं छोटी सी बात करता हूँ, एसपी संघा साहब उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था तो उस वक्त वो स्पीकर थे पंजाब के, तो कांग्रेस ने कहा था जो मांगे पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, उन उस वक्त 3 या 5 वोटों का मसला था। तो कायदे आजम ने अपने वो उन्होंने कहा कि एसपी संघा साहब आप हमें वोट दें, तो उन्होंने असेंबली की सीढ़ियों पे खड़े होकर कहा था पाकिस्तान पंजाब बनेगा पाकिस्तान और हम खाएंगे सीने में गोली। और हम इसी तरह देखा जाए तो पुराने पाक में जब हम और गुलाब इब्राहिम की ये दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि हम भी उसी की औलाद है, हम भी उसी का हिस्सा है। या पुराने पाक में अगर देखें हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु उनकी बेटियों को जब उस वक्त मुश्किलात में थी तो किन्होंने चादर दी, क्रिश्चियनों ने दी, उनकी इज्जत का दफा किन्होंने किया, क्रिश्चियनों ने किया। तो फिर क्रिश्चियन कैसे हो सकता है कि इस्लाम के लिए या पुराने पाक के लिए ऐसी हरकतें करें। हाँ, जो भी करता है क्रिश्चियन उसको मिलनी चाहिए, ये सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मुकदस किताबों के खिलाफ चले तो उसको ये सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्रिश्चियन ऐसे नहीं है क्योंकि क्रिश्चियन पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर आज पंजाब है तो पाकिस्तान क्रिश्चियनों की वजह से है, और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं अपने उन भाइयों के लिए भी जो आज तक मुस्लिम है भाई हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारी इज्जतों के भी रखवाले हैं। लेकिन चंद ऐसे अनाथ सर लोग हैं जो इस चीज को करते हैं, लेकिन सारे हमारे भाई ऐसे नहीं है। वो भाइयों ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें पनाह दी, हमें अपने घर से खाने खिलाए, हमारी इज्जतों की उन्होंने हिफाजत की, हम उनके लिए शुक्रगुजार। लेकिन हम अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए, हमारी जान पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि हम अगर बाहर के मुल्कों में है तो हमें कोई मजहब के नाम से नहीं पहचानता, हमें पाकिस्तान के नाम से पहचानता है, या वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। अगर हमारे बहुत लाल है वो पाकिस्तान में है, हम पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं काफी कामों के लिए, इधर हम अपने अच्छे रवैये की वजह से पहचाने जाते हैं। तो मैं अपनी हुकूमत से, अपने उन इकदार के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे भाइयों पर, हमारे उन अजीजों पर जो जुल्म और सितम होता है प्लीज उसको रोका जाए, और हम आपकी हिस्सा है, हम आपके अहले किताब है। कोई भी मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर यकीन नहीं रखता, उसका ईमान कम्प्लीट नहीं होता। तो इसलिए मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज हम आपका भाई हैं, हम आपके हिस्सा हैं, हमें इज्जत बख्शी जाए, हमें दूसरे दर्जे का शहरी ना समझा जाए, क्यों हम आपके भाई हैं, हमने पाकिस्तान के लिए, हमारे बोझदार ने, हमारे बड़ों ने पाकिस्तान के लिए जाने दी है, खून बहाया है, हम सब कुछ छोड़कर इंडिया को हम पाकिस्तान में आए हैं। जो मुसलमान भाइयों से हमारी अच्छी बनती है वो भी अहले किताब है, हम भी किताब है, हम अहले किताबों के वारिस है, मुकद्दस किताबों के वारिस है, और प्लीज हमारे साथ ऐसा रवैया इख्तियार ना किया जाए। आज वो हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग जो इस वक्त बेरोजगार और इस वक्त बेछत पड़े हुए हैं, वो कहीं मैंने वीडियो देखी देखी नहीं जाती क्योंकि इनको रोना आ जाता है। मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ भाइयों का कि जिन्होंने आज जाकर फिर वहां पे मुसलमान भाइयों ने बहुत उनकी हेल्प की, हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, हमारे जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उन्होंने, और बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जो गए हैं और उन्होंने इस चीज की, क्योंकि हमें तसल्ली बख्शी है कि हम किसी तरह से इस चीज को
पायक मील तक तुम जाएंगे और रोज जो बनासर जो इस चीज को बुला रहे हैं हम उनको सजा तक जरूर उनकी नौबत पहुंचेगी। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह मैं सोरे थोड़ी हद तक ठहर के लिया मैं आपसे सिर्फ दरख्वास्त करूंगा कि ये अपनी जो हम